कौन है इस समय यहां पर? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसी आवाज है? कुछ अजीब सा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या है। इन लोगों के पीने में ही जिंदगी गुजरेगी। हेलो, कौन है इतनी रात को यहाँ पे? सामने क्यों नहीं आ रहा है?
रात भर पीने वाले ये लोग इतनी जल्दी कहाँ उठेंगे ये। आनंद, राकेश, कीर्ति, हे राकेश, 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 राकेश क्या हुआ है? आनंद, आनंद, हे आनंद, आनंद, हे आनंद, हे कीर्ति, 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 ये सपना था। गुड मॉर्निंग गुरु, बैक कॉफी रेडी है। ये तीनों अभी भी जिंदा है। बात बताओ, रात को इतनी शराब पीते हो तुम लोग, फिर भी सुबह जल्दी उड़ जाते हो, कैसे? वो सीक्रेट है गुरु, वो सब पीने वालों को पता रहता है गुरु। हाँ गुरु, वो सब छोड़ो, आप फ्रेश हो जाओ, आपके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? क्या है वो? वही है सस्पेंस। सस्पेंस? तुम जल्दी आओ, हम चलते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, wish you happy birthday my dear friend, happy birthday to you. तो हो, तो ये था सस्पेंस। हाँ फ्रेंड, प्लीज प्लीज। Happy birthday friend. Happy birthday friend. हैप्पी बर्थडे फ्रेंड। थैंक यू। अच्छा, तुम तीनों को मेरा जन्मदिन कैसे याद रह गया भाई? हाँ फ्रेंड, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। देखो यार, पूरे दिन का ट्रीट तुम्हारा ही रहेगा इसीलिए। सही कहा तूने, आज का पूरा दिन तेरे नाम। दोस्त प्लीज, आज के दिन मना मत करना। ओह, तो यही है तुम्हारा ट्रीट। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी और शराब में बहुत दूरी है, इससे मुझे दूरी रहने दो, बहुत काम बाकी है, मुझे जाना होगा। अरे तुम लोग एंजॉय करो। अरे यार, ये तो गया। फ्रेंड हो तो हमारे फ्रेंड जैसा हो। चीयर्स।
हाय हाय हाउ आर यू आई एम फाइन कुछ समझ में आया तुम लोगों को नथिंग सर कुछ पता नहीं चला हाँ हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ पता नहीं चला उसका हमने सोचा गांव गई होगी लेकिन वो तो वहाँ भी नहीं थी हाँ उसकी मम्मी पापा ढूंढते हुए यहाँ आए थे सर पूछ के बहुत घबरा रहे थे अच्छा और कुछ बोले वो कुछ बताया उसके बारे में उन्होंने नहीं सर कुछ नहीं बोले ठीक है अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे फोन करना ओके सर ओके, ओके। ये क्या है उसके पेरेंट्स आए थे यहाँ पर तुम कैसे कह सकते सर एक मिनट बोलो सर वो लोग मिसिंग कंप्लेंट करने की बात कर रहे थे कंप्लेंट अब इसको क्या हुआ ए इसको क्या हुआ चल पूछते इसको हाँ चल आनंद क्या हुआ तुझे प्यार प्यार में हमेशा धोखा ही होता है ऐसा क्यों होता है स्टॉप इट आनंद क्या बात कर रहा है हे आनंद क्या हुआ बताना यार हे देखो रवि आ गया हे चलो बाहर चलते हैं चलो चलो हाय फ्रेंड हाय काम ओके हो गया ना तुम हैप्पी हो ना मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ दोस्त इस जन्म में तो तुम लोग सुधरने वाले में से नहीं लग रहे हेलो क्या गुरु लगता है कहीं जा रहे हो थोड़ा सा काम है आता हूँ क्या वो इतना इम्पोर्टेंट काम है इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है फिर भी जाना पड़ेगा क्या दोस्तों खेलने के समय भी ये इम्पोर्टेंट है क्या चाहिए गुरु कंपलसरी चाहिए ही चाहिए कंपलसरी किस लिए एनर्जी के लिए गुरु बॉडी एनर्जी के लिए एनर्जी है क्या ऐसे ही आगे चलता रहा तो आगे ग्लूकोज लेना पड़ेगा तुम लोगों को क्या गुरु तुम हमेशा निगेटिव ही बात करते हो यार क्या गुरु थोड़ा पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्या अरे वो सब छोड़ो आनंद किधर है तुमको पता है ना यार हफ्ते में दो बार उसका दर्शन नहीं करेगा तो उसको चैन कहाँ मिलेगा उसको उतनी तो समझ है ना तुम लोगों की तरह तो नहीं है वो क्यों नहीं होगी दोस्त क्योंकि तुम्हारे जैसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो उधर जाकर प्रसाद लेता है हम लोगों को तो यही मिल जाता है यही प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं क्यों सही है ना हेलो हाँ बोलो अच्छा अच्छा व्हाट क्या हुआ गुरु क्या बात है गुरु ए रुको 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 उधर ही रुको सडनली गाड़ी रोककर यहाँ क्यों आयो कौन हो तुम लोग सर ये हमारा दोस्त है तुम्हारा नाम क्या है रवि है सर और तुम्हारा राकेश है सर और तुम कीर्ति सर तुम तीनों इसको जानते हो क्या हाँ सर मतलब तुम तीनों दोस्त हो तीन नहीं सर चार हैं हम लोग ओ सर ये सब कैसे हो गया सर कैसे हुआ मतलब क्या या तो ये पीकर आ रहा होगा या तो ओवर स्पीडिंग में आके स्टंट मार रहा होगा ये सब पोस्टमार्टम में ही पता चल जाएगा ए सर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ ठीक है ए फोटोग्राफर किधर है आज भी लेट आया क्या चलो चलो पीछे पीछे हाँ
तुम बाइक उठा लो। पीकर गाड़ी चलाओगे तो ऐसा ही होगा, देख रहे हो ना? ए, तुम अपना झगड़ा दूसरी जगह जाके करो, जाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। ए, इन तीनों को जाने दो, बॉडी को यहाँ से लेके जाने की तैयारी करो। एम्बुलेंस स्ट्रेचर लेकर आओ। हाँ उठाओ उठाओ, बॉडी उठाने का काम हो गया। उठाओ उठाओ, ए गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। चीयर्स। आनंद खुद बाइक रेसर है, ओवर स्पीड उसके लिए नॉर्मल है, और ड्रिंक एंड ड्राइव वो कितना भी पिया होता है लेकिन गाड़ी को कंट्रोल कर ही लेता है। ब्रेक फेल होना आकस्मिक है। उधर का रास्ता देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ होगा। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा उधर? रवि, हाँ रवि, रवि, राकेश, कीर्ति किधर गई है? रवि बचा लो। ए राकेश, हाँ राकेश, राकेश क्या हुआ दोस्त? राकेश फ्रेंड, दोस्त क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ यार, किसने किया, क्या है, कैसे हुआ ये सब? सॉरी सॉरी फ्रेंड। कैसे हुआ ये सब बता? सॉरी दोस्त। क्या हुआ? हम लोगों ने गलती कर दी है। गलती? सॉरी गुरु। कौन सी गलती? हमें माफ कर देना। क्या सॉरी? हमें माफ कर देना प्लीज। बताना क्या हुआ। हाँ पुटरना। ए हम दोनों को देख के क्या लग रहा है तुमको? जाने दो, छोड़ो यार, इतना गुस्सा क्यों? ए चुप रहो यार, साली नींद हराम करने के बाद भी लाश देखनी पड़ रही है। सुबह सुबह इतना सब देखकर क्या मुंह से सुप्रभात निकलेगा? ए सुबह शाम पुलिस की ड्यूटी करके चोरों के पीछे भागने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें क्या पता है? चुप रहो यार। ए हो गया ना, चुप करो इसको ना यार। साहब आ गए। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। ए पुटरना जाओ लेकर आओ। किसे लेकर आओ साहब? श्री वत्सल्य को लेकर आओ। ओ हाँ याद आया। सर चलो आओ श्री वत्सल्य। बोलो ये सब कैसे हुआ? मुझे पता नहीं सर। पता नहीं मतलब? मैं उस वक्त रूम में था, कुछ आवाज आई तो बाहर आकर देखा, दोनों नीचे गिरे पड़े थे सर। अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि ये ऊपर से अपने आप नीचे गिर गए? हाँ सर। ये ऊपर कैसे गए होंगे? दोनों बहुत शराब पीते थे सर। तुम नहीं पीते? नहीं सर। चलो ऊपर जाने का रास्ता बताओ। आइए सर। फोटो निकालने के बाद चाकू को अपने पास रख लेना। ठीक है सर, जल्दी आओ, इधर आओ, स्ट्रेचर भी लेके आओ। ओ तो तुम्हारे हिसाब से ये लोग यहाँ बैठकर पी रहे थे? हाँ सर।
और तुम नीचे थे? हाँ सर। और आवाज सुनकर तुम ऊपर आए? यस सर। और तुमने आकर देखा तो ये लोग नीचे गिरे हुए? हाँ सर। सर राकेश मरते हुए माफी मांग रहा था सर, हम लोगों को माफ करो ऐसा बोल रहा था। किस लिए? मुझे पता नहीं सर। राकेश ये रेड टी शर्ट वाला है या दूसरा वाला? रेड टी शर्ट वाला ही है सर। ओ, तुम जो बोल रहे हो और जो सामने दिख रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, बाद में देखते हैं क्या सच है। ओके सर। डरो मत। हाँ सर। दो दिन के बाद पुलिस स्टेशन आ जाओ, बात करते हैं। ओके सर। हेलो, उधर बैठकर क्या कर रहे हो? दोस्त, जैसे बहता हुआ पानी किसी में भेदभाव नहीं करता है, तुम भी ठीक वैसे ही सच हो। सच में? हाँ रवि, ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ दोस्त, ये समाज में जीने के लिए सही रास्ता दिखाया तुमने। अच्छा, ये मैंने किया है क्या? ये क्या दो गिनती नहीं है दोस्त, तुम्हारी दोस्ती मिली यही हम लोगों की खुशनसीबी है। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी दोस्त, और मैं यही चाहता हूँ। सच में दोस्त, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। दोस्त, किसी भी हालत में हमको दूर नहीं करोगे ना? कभी भी हमको अपने से अलग नहीं करोगे ना? ये प्यार हमेशा बना रहेगा। चीयर्स! चीयर्स! गाड़ी निकालो। गए थे क्या तुम? दिया सर। कितना? समथिंग हैज हैपेंड। क्या हुआ होगा? गुड मॉर्निंग सर। ओ गुड मॉर्निंग, बैठो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारे दोस्तों की मौत नॉर्मल मौत नहीं है। मतलब? मर्डर है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? वो सब रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। बाय द वे, तुम इन लोगों को कितने टाइम से जानते हो? मैं बचपन से जानता हूँ सर। ओ, बचपन के दोस्त हो, गुड। इन लोगों के माता पिता, इनका गांव का नाम कुछ पता है तुम्हें? उन लोगों का कोई भी नहीं है सर। मतलब? दे आर नो मोर। ओ आई एम सॉरी। ओके, तुम्हें छोड़कर इन तीनों का कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, दुश्मन, ऐसी कोई बात? नो नो सर, वो लोग इनोसेंट थे। इनोसेंट्स? वेरी इंटरेस्टिंग। हम पूछताछ कर रहे हैं इन तीनों के कातिल को ढूंढने के लिए, हमें तुम्हारा सहयोग भी चाहिए मिस्टर रवि। श्योर सर, हमेशा सहयोग रहेगा मेरा। ओके, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ सर। हाँ प्लीज। रवि श्री वत्सल्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन लोगों का मर्डर हुआ है। ये मर्डर के पीछे किसका हाथ है, किसने किया होगा, ये सब कुछ विचित्र दिख रहा है। बोलो श्री वत्सल्य, ये सब कैसे हुआ? कल जो आपने बताया था सर, वही मैं बैठकर सोच रहा था। अच्छा? यही सोचते सोचते मैं टेरिस पर गया, किसी ने मेरे सर पे बहुत जोर से मारा सर। हम्म। बाद में मैं नीचे गिर गया। तुम होश में नहीं थे,
उसके बाद बिजनेस के सिलसिले में तुम्हारा मैनेजर यहाँ आया और तुम्हारी परिस्थिति देखकर उसने पहले डॉक्टर को फोन किया और उसके बाद मुझे फोन किया, यही हुआ था ना? हाँ सर। अच्छा, मुझे तुम्हारे टेरिस का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? मुझे भी शक है सर। शक? ओके, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आता हूं। ओके सर। इंस्पेक्टर बोल रहा है ये एक मर्डर है। ये मर्डर किसने किया होगा? जब मैं टेरिस पर गया तो मुझे किसने मारा होगा? मुझे क्यों मारना चाहता है कोई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कोई तो होगा कातिल। क्या हुआ कुटरना? ए, मुझे कुटरना मत बोलो, पुठराना बुलाओ। पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? लंबी मूछ वाला नरसिंह का लड़का हूँ, नरसिंह घोड़ा का पुठराना हूँ। पुठराना ही बोल मुझे, मेरा नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं, समझा तू? हाँ, तुम्हें देखकर सभी लोग डरते हैं, गड़गड़ गड़गड़ कांपते हैं। तुझे ड्यूटी पर नहीं आना चाहिए था। हाँ? बस बंदड़ा, क्या बोलते हो? क्या हुआ कुटरना? जो सब्र करते हैं वही फर्स्ट क्लास रहते हैं। उसी के लिए ड्यूटी पर आया हूँ। आज तेरे जिंदगी के लिए स्पेशल दिन है। ऐसा भी क्या खास है? तुम्हारी औरत प्रेग्नेंट है। ये तो साला मुझे पता होना चाहिए। अरे, क्या तुझे पता नहीं तेरी औरत प्रेग्नेंट है? अरे तो वो मुझे सरप्राइज दे रही है क्या? सब जाने दो, तेरी शादी हुई है वो पता है ना? हाँ, वो तो मेरा पुराना जख्म है। कहानी को सुंदर, शॉर्ट और स्वीट बताओ ना। बताता हूँ। मैं मेरी औरत की शादी में अपने पिताजी के साथ गया था। हाँ? अरे डर क्यों रहे हो? मुंह बंद करो अपना। लड़का लड़की के बीच झगड़ा होकर लड़का लापता हो गया। इसके बाद कुत्ता भूखा था और चावल खराब हो गया और बाद में मेरे पिताजी ने धक्का दे दिया, मैं गिर गया और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अरे क्या अपनी बेकार की कहानी सुना रहे हो? उतरना अपनी शादी की कहानी बता रहा था। ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, ट्रांसफर करा दिया तो एक और शादी हो जाएगी और तुम लोग इसकी बेकार की कहानी सुनने लग जाते हो। सर, यस सर, मैं फार्म हाउस पर हूँ सर। यहाँ पर जो मर्डर हुए हैं सर, उनकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ सर। यस सर। काम पर ध्यान दो तुम लोग। ओके सर। गाड़ी निकालो। हम सबको साहब के साथ रहना चाहिए। मेरे साथ आकर तुम लोग क्या उखाड़ोगे? सर वो जाओ, उधर पहरा दो, जाओ। ओके सर। चल अब चल रे। चल ना, उनके पीछे नहीं जाना है तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? दिन में एक सांप का नहीं सुना तो इसका खाना ही पचता नहीं है ये। चल चुप। सर आइए। मिस्टर नायक, टेक योर सीट। इट्स ओके सर। मिस्टर नायक। सर, गो थ्रू दिस फाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। जो मिसिंग कंप्लेंट आपके स्टेशन में आ रही है उसकी हर एक डिटेल इस फाइल में है, इसी के लिए आपको यहाँ बुलाया है। होम मिनिस्टर का बहुत प्रेशर है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट चाहिए। जो भी इस केस में है उसके लिए नो मर्सी। उन लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन लो। इट्स माय ऑर्डर। आई विल डू माय बेस्ट सर। सर, गुड लक। थैंक यू सर। ये और इसका होलिया देखकर तो कुत्ते की याद आ गई। तू भी ले सकता है यार। वो सब नहीं देना है यार, चुप रहो यार। साहब, ये फाइल साहब के ऑफिस में भेजनी है। देख अभी इसको भी देखा ना, इसका काम में ऐसे ही रहता है। ए, मैं कैसा दिख रहा हूँ? हाँ, तुम तो सुंदर ही दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो। तुम्हारा क्या कहना बोलो, तुम्हारी तरह सुंदर कोई दिख सकता है क्या? ये इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो, मेरा बेटा कितना खराब हो गया है, पता नहीं किसी लड़की को पटा क्या है। अनिल भाई, तुमने इसका नाम सही रखा है, पुठरना नहीं कुठरना है। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए पुठरना, इधर आओ। यस सर। क्या इनके साथ लगते हो? इनकी तो उम्र हो गई है, जाओ अपना काम देखो, जाओ। तुमको बोल रहे हैं साहब? ए, 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 उसको नहीं तुमको बोल रहा हूँ मैं। जाओ अपना काम करो। ये भी तुमको ही बोला है। जाओ अपना काम करो, जाओ। साहब, नमस्कार साहब। कौन है ये, क्या केस है? लड़की को छिड़ के आया सर। ओ, तुम लोग ऐसे लाइन में क्यों खड़े हो? सब पुतना मजाक कर रहा था कि मेरे लड़के पे इतनी सारी लड़कियां मरती है पर हम पे क्यों नहीं मरती, ऐसा बोल रहा था। क्या कहा? इस उम्र में अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, शर्म नहीं आती?
पहले यूनिफॉर्म ढंग से पहनना सीख ले। अब देखा ना, हो गया ना तुम्हारा कचरा। ये जो केस आया है इसी में टाइम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से ये मिसिंग कंप्लेंट। पहले ये मर्डर केस देखूं या मिसिंग कंप्लेंट। दिन ब दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। रामचंद्र को अंदर भेज दो। सारा स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, वेरी गुड। मेरे इलाके में कौन सा मिसिंग केस है जरा देखूं तो। ओ ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल है तो मिसिंग तो होगी ना। अब यह केस लेट हो चुका है। रवि श्रीवत्सल, यह नाम कहीं सुना है। घर में कोई है कि नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। कोई बात है क्या? मुझे नहीं पता, आपको अर्जेंट आने को कहा है। टेंशन। रवि सर, तुमने जो स्टेटमेंट दिया था वो हमारी इंक्वायरी के साथ मेल नहीं हो रहा है। अगर वो मेल करता भी है वो एक मिसिंग कंप्लेंट के साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ सर। और ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी है ना? हाँ सर। फोटो घुमा कर देखो। निहारिका। हाँ, ये बहुत दिनों से लापता है और एक मिसिंग कंप्लेंट भी है। अब तुम बताओ ये कैसी है और किधर है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया ना? इंस्पेक्टर नायक। आराम से, ये तुम्हारा घर नहीं है। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका ही जवाब दे। सीधे सीधे सच बता दे तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं, नहीं तो पुलिस की भाषा में तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये निहारिका है सर। मुझे पता है सर ये मिसिंग है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता सर कि ये कैसे मिसिंग है। मुझे बताओ, तुम इसे जानते हो ना? और कैसे? मैं और मेरे दोस्त एक ट्रिप पर गए थे सर। ए वाह, देखो। वाह यार, बहुत सुंदर जगह है। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। हे वो देखो ना, कितना खूबसूरत है। बहुत सुंदर। वाह, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, हमारी टीम गिर गई है, बचाओ, प्लीज हमारी मदद करिए। क्या हो गया? हमारी नीचे गिर गई है, प्लीज आप बचाओ उसको, प्लीज जल्दी बचाइए उसको, प्लीज आप नीचे गिर गई है, प्लीज बचाइए, बचा लीजिए। ध्यान से दोस्त, थोड़ा संभल के। ध्यान से। दो संभल के। Somebody is there. Help, help, help.
तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाथ दो मुझे। प्लीज बचा लीजिए। डरो मत, संभल के पकड़ो, आराम से, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, डरो मत, डरो मत। हाँ आओ आओ, आराम से, आराम से, आओ आओ, ऊपर आओ, कोशिश करो। Thank God. हेलो मैडम, क्या हुआ? कोई बात नहीं, डरो मत, चलो। आराम से, हाँ चलो चलते हैं, आराम से। हाँ वो ठीक है, आराम से, आराम से, कुछ नहीं होगा। हाँ यहाँ बैठ जाओ, आराम से। ये कैसे हुआ, कैसे गिर गई तुम? वो था। अच्छा ये बात है, रेस्ट करो, संभल के, संभल के। क्या तुम दोनों ठीक हो ना? बहुत चोट लगी है। निहारिका, आर यू ओके? ध्यान से, आराम से, आराम से चलो, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर, चोट बहुत ज्यादा लग गई है। वो सेल्फी के चक्कर में हुआ ना? आराम से, आराम से। आराम से बैठो, आराम से। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं। अरे ठीक हो जाओगी तुम, थोड़ी बहुत तो जलन होगी ना, जल्दी ठीक हो जाओगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। बस हो गया, हो गया। बहुत जलन हो रही है सर। अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत जलन होगी बस। ये लो गोली।
एक रात तो खा लेना और एक सुबह खा लेना, ठीक है? तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अरे इसको देखो, कोई ख्वाब देख रही है। मुझे भी यही लग रहा है। प्यार में गिरी है क्या? ओ निहारिका, कुछ ज्यादा ही गहराई से सोच रही है तू। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। तेरे मन में जरूर कुछ चल रहा है। ये सब हकीकत में सच होगा कि नहीं, यही सोचकर मन घबरा रहा है। हमें बता दे तेरे मन में क्या चल रहा है। हमें सब कुछ पता है, तुम कुछ मत कहो। तुम लोग चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें सब पता चल रहा है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। समझ में आ गया है ना, तो चुप ही रहो। अगर उस दिन वो नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसी ने मेरी जान बचाई है और उसने तुम्हारा ट्रीटमेंट भी किया। उसने तेरा मन जीत लिया है। यस, आई लव हिम। अच्छा जाओ जाओ। हेलो प्रकाश, हाउ आर यू? हाँ मैं तो अच्छा हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं घर पर ही हूँ। अच्छा ये बात है कि मैं मुंबई जल्दी आ रहा हूँ। ओके, डोंट वरी, तुम मूव करो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ मैं आ ही रहा हूँ।
हाय, हम लोग चलें क्या? ओह श्योर। चलो चलते हैं। कम ऑन, आओ मस्ती करते हैं। आ जाओ, आ जाओ तुम लोग। अच्छा, इतना क्यों खुश हो एक साथ सभी पानी में? खुशी ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी खुशी? हमें क्या पता। हमें क्या पता? इसलिए कि हम लोग आज अपने अपने घर जा रहे हैं। किसलिए? इसलिए। हाँ। घर जा रहे हो? थोड़े दिन और रुक लेते हमारे साथ। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी फ्रेंड सुबह से नहीं दिख रही है, वो किधर है? वो क्या है, सुबह सुबह एक इम्पोर्टेंट काम पे गई है। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? क्या अकेले ही चली गई? अकेले नहीं गई, दो लोग गए हैं। दो लोग? हाँ। कौन है वो दो लोग? गेस करो कौन है, कौन है, गेस करो। वो कौन है रे? मुझे क्या पता। कौन होगा यार? कौन है, कौन हो सकता है? कौन है, कौन है? हेलो मैडम, आपको कुछ बात करनी थी लेकिन आप इधर आने के बाद चुप खड़ी हैं। इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? कुछ तो बताओ। मन के अंदर जो सपना होता है, सब कुछ अगर हकीकत हो जाए तो कितना अच्छा होता। अच्छा है ना? ही है। अगर वो हकीकत में नहीं हुआ तो लाइफ लॉन्ग दर्द में जीना पड़ता है ना? सच है, उतना नामुमकिन भी नहीं। फिर भी मैं अपने मन की बातें और अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। You mean? I love you. निहारिका? हाँ रवि, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें कहना चाहती थी। निहारिका, जिंदगी में सपने देखना बहुत आसान है, हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल।
तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, तुम कुछ बनना चाहती हो, पहले उस पर ध्यान दो। ये प्यार व्यार ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये सब सिर्फ खेल है। सॉरी रवि। रवि अभी तो तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे मन में रहोगे। क्या मैं तुम्हें एक बार हग कर सकती हूँ? इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी बोल दो ना रवि। I love you so much, रवि। Why can't you understand? कुछ भी नहीं बोल रहा ये। छी। बाय। ओके बाय। कितना कुछ एक्सपेक्ट किया था मैंने। इतना वेट करने के बाद भी वो ऐसे ही चला गया। पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं उसके मन में क्या है। अरे यार, रवि हेलो। आई लव यू। ये वो भी आखिरी था सर, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। मैंने उसे बहुत ढूंढा सर, पर वो कहीं नहीं मिली। क्या मैं इसे सच समझूं? यही ना? अच्छा तो रवि, वो तुम्हारे घर पर थी ना? और तुम और वो बहुत बात किया करते थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, फिर भी तुम्हें नहीं पता था, है ना? क्राइम करना बहुत इजी है ब्रदर, लेकिन उससे बचना बहुत मुश्किल है। इसके तीनों दोस्तों का मर्डर हुआ था, यह कोई मामूली बात नहीं है। और वो लड़की लापता है, कहां है, किधर है, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको देखने से यह अपराधी नहीं लग रहा है। ओके, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, पुलिस को बिना बताए तुम कहीं भी आ जा नहीं सकते। हाँ ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हाँ सर। याद रहे, ये तीन मर्डर केस नहीं, चार मर्डर केस है। हाँ, चार मर्डर। इंस्पेक्टर नायक मुझ पर शक कर रहा है,
ऐसा मैंने क्या किया है? मर्डर हुआ है, तीन नहीं चार लोगों का ऐसा बोला उसने। क्या निहारिका भी? नो, वैसा कुछ नहीं हो सकता। निहारिका किधर हो तुम? कैसी होगी? कहाँ हो तुम? ಬಯಸಿ ನೊಂದಿರುವೆ
ए, कौन हो? ए, रुक जाओ। कौन हो तुम? मुझे समझ नहीं आया था साहब। जो गलती करता है वो एक न एक दिन जरूर फंसता है। ए, हाँ सर। बेल बजाओ। ठीक है सर। सर आप? क्यों, नहीं आ सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आइए अंदर। जो बोला है समझ गए ना? यस सर। सर आप कुछ लेंगे? सर मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करने आया हूँ। सीसीटीवी फुटेज? क्या क्या हुआ, देख नहीं सकते क्या? नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं। इधर है, ऊपर रूम में है सर। ए अनिल,
तुम क्यों बार बार पुटरना को कुटरना कुटरना बुलाते हो? क्यों उसको गुस्सा दिलाते हो? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? बोलो। एक कैप्टाना, 3 महीने पहले एक मर्डर हुआ था, याद है? अच्छा, वो कॉलेज में था तब। नाइट ड्यूटी में हम लोगों को डाला था ना। हाँ। जागते रहो, कुछ क्लू मिल सकता है ना। हाँ। पूरी रात भर पीता था। क्या पीता था? पीकर पूरी रात तलाशी लिया करता था, कभी इधर कभी उधर, रात भर यही करता था। तब से मैं कुटरना कुटरना बोलने लगा। तुम दोनों को मेरी ही बात मिलती है, दूसरी कोई बात नहीं है क्या? 3 दिन से साहब आ रहे जा रहे आ रहे, इसके बारे में तुमने सोचा है? वो क्यों आ रहे है, किस लिए आ रहे है, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? साहब अंदर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। साहब के पास कुछ अच्छा ही आइडिया होगा, इसलिए वो आते जाते ही रहते हैं। ऐसी कौन सी बात सूझ गई भाई? मुझे तो इस घर के मालिक पर ही शक है। शक नहीं, शक नहीं, मुझे पूरा 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 यकीन है। ये यंग लोगों का खून बहुत ही गर्म होता है, ये लोग हमेशा गलती करके निकल जाते हैं। अनिल, तुझे कोई आइडिया आ रहा है क्या? क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस घर का। अब तुम तो 3 दिन से घर ही नहीं गए हो, तो कैसे आएगा आइडिया? बैठिए सर। इस घर में टोटल 2 ही कैमरे हैं क्या? और भी हैं सर। प्ले करो। नेक्स्ट। बगीचे का नहीं देखना है, घर के अंदर का, बाहर, गेट से अंदर बाहर आने जाने का, उसका फुटेज दिखाओ। हाँ सर। वही फुटेज देखनी है मुझे। गेट की एंट्री सर। निहारिका, ये कब यहाँ आई थी? ओ, कुछ तो गड़बड़ है सर। ये जब दूसरी बार फार्म हाउस पर आई थी तब का है, इसके बाद ही पता चलेगा। नहीं, नहीं नहीं, ये कॉमेडी है। आनंद, क्या है ये? ये जो बोल रहा है वो कॉमेडी है। ए राकेश, मैं हॉस्टल गया और 1 महीना हो गया, पहले जाकर गुरु के दर्शन करके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यार, इसका तो हर महीने का ड्रामा है। वो सब छोड़ राकेश, अपना रवि मुंबई जाकर 3 दिन में आता हूँ बोलकर गया, 1 हफ्ता हो गया अभी तक पता नहीं चला। हाँ यार, हाँ। बात तो सही है। हे राकेश, हाँ? उधर देख। हे? 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 कौन है वो? हे, ये निहारिका है ना, ये अचानक क्यों आई? चलो पूछते हैं। हाय। 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 हेलो। आप अकेली आई हो? तुम्हारे दोस्त नहीं आए? मैं अभी अकेली आई हूँ। ठीक है, प्लीज कम। ओके। अच्छा, आप किसको ढूंढ रही है? वो रवि जी नहीं दिख रहे हैं? रवि मुंबई गया हुआ है। अच्छा, तो कब तक आएंगे वो? हाँ यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, कब तक आएगा कुछ पता नहीं है। अच्छा फिर ठीक है। देखो, रवि के आने तक यहीं रुक सकती हो, आपको जो भी चाहिए हम सब व्यवस्था कर देंगे। ना ना। देखो, हम पर भरोसा रखो, आपकी देख रेख करना हमारा फर्ज है, प्लीज। ओके, थैंक्स। Cheers! हे, दूसरी जगह चलने का प्लान करो, कब तक यहीं रहोगे यार? गोवा जाएंगे क्या? हाँ चलते हैं ना यार, 1-2 दिन उधर ही हॉल्ट करेंगे। हे उधर देखो, आ रही है। हाय। हाय। आपको नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, रात बहुत हो चुकी है। एनी प्रॉब्लम? नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। ओ अच्छा, तो ये बात है।
क्या हुआ इसको? आयो इसको क्या हुआ यार? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? क्या पता यार, यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। आई लव यू रवि, आई लव यू सो मच। Oof.
ओ हेलो मैडम, रवि को फोन ट्राई कर रही हो क्या? हाँ, अपना रवि, वो इतनी जल्दी फोन नहीं उठाएगा। आप फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए अंदर चलो। आप लोग जाइए, मैं अभी आती हूँ। चलो यार, यार। जब से मैं यहाँ आई हूँ रवि का कॉल ट्राई कर रही हूँ, इसका कॉल ही नहीं लग रहा है। पिक माय कॉल रवि, पिक माय कॉल। अब क्या करें यार? जो तुम लोग बोलोगे वही। लेकिन कुछ नहीं, मुझे तुम दोनों का डिसीजन चाहिए। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। Cheers! जल्दी निकलना चाहिए। भगवान, इस मुसीबत से मुझे बचाओ। मुझे उसी दिन वापस चले जाना चाहिए था। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था। I'm so sorry.
मेरा यहाँ। देखो, याद करो तुम लोगों ने उस दिन क्या कहा था। यही कहा था ना कि भरोसा करो हम लोगों पर। याद करो, याद नहीं है तुम लोगों को? देखो, रवि को पता चलेगा तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। भगवान, भगवान, हे माँ, हे आजा, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। हाँ हाँ हाँ, पहले ही बोला था। ए, जो होना था वो हो गया है। जो हो गया सो हो गया। आगे क्या करना है अब तुम दोनों वो सोचो। किसका फोन है? किसका है? रवि का। रवि का? अरे बात करना। बात कर। हाय फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, इधर सब ठीक है। क्या कहा तुम? कल आ रहे हो? ओके ओके, आ जाओ। हाँ 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 फ्रेंड, ओके। बाय फ्रेंड, बाय फ्रेंड, बाय। अब क्या करेंगे? हाँ अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसी गलती जो की है। संभल के, संभल के। हाँ हाँ, यहाँ 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 रखो। हाथ लपेट के, अच्छे से बांध, सही से बांध रस्सी। ए, चलो यहाँ से। चलो चलो चलो। आउट ऑफ। रखो। मैंने जो बोला समझ में आ गया ना? चल 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 चल। सीक्रेट मेंटेन करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सॉरी सॉरी फ्रेंड, सॉरी दोस्त। माफी क्यों मांग रहे हो? हम लोगों ने गलती कर दी है, बताना क्या हुआ? हमें माफ कर देना। उस दिन जो वो माफी मांग रहा था इसी वजह से। बोलो श्रीवत्सल। सर, मेरा इस घटना से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। सर, कनेक्शन है। निहारिका मर चुकी है और उसका मर्डर तुम्हारे तीनों दोस्तों ने किया है।
वो गुस्सा निकालने के लिए तुम इन्हें प्लान करके उन तीनों को मार दिया। ये झूठ है सर, निहारिका जब इधर दूसरी बार आई थी तब मैं मुंबई में था, मुझे तो पता भी नहीं कि वो यहाँ आई थी। मुंबई में थे तो क्या हुआ मिस्टर, मुंबई से वापस आकर तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया होगा और तुमने गुस्से में आकर उन तीनों का मर्डर कर दिया होगा। इंस्पेक्टर, ए सुन, आवाज ज्यादा ऊंची हो रही है। सॉरी सर, सॉरी। माइंड योर टंग। सर मैं अपने दोस्तों की जान ले लूं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। ये कौन है? सर यही है सर, यही है सर, इसने मेरे ऊपर अटैक किया था आपके आज आने से पहले ही। व्हाट? हाँ सर। रवि के ऊपर क्यों अटैक किया तूने? बोल बे, कौन है तू? ओ लगता है डर गया। ए चलो शुरू हो जाओ। ठीक है सर। रुक जाओ, बोल, और पुलिस के डंडे चाहिए? हाँ बता दे यार। हाँ बता। हे कौन है तू? बता किसने भेजा है तुझे? बता बता। तेरी तो नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरा नाम है अजय विक्रम, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मुझे निहारिका बहुत पसंद थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मेरी जान थी। एक दिन जब उसको मैंने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, लेकिन मैं बार बार प्रपोज करता रहा पर वो मान नहीं रही थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसके बाद मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन मैं उसके पीछे फार्म हाउस तक पहुंच गया। मेरी नजर उसी पर थी। उसकी हर हरकत को मैं वॉच कर रहा था, दिन रात मैं निहारिका को ही देखता रहता था, उसकी हर एक हरकत को देखता रहता था। एक दिन निहारिका घर के बाहर ही नहीं आई तो मुझे शक होने लग गया। रात को जाकर देखा तो वो तीनों लोगों ने उसको मार दिया था। बाद में क्या हुआ? उसके बाद उसकी मौत पर मुझे बहुत गुस्सा आया, उन तीनों से मैंने बदला लेने का सोच लिया। कुछ भी करके इन तीनों को सबक सिखाना था तो मैंने प्लान बनाया। सुनो मेरी एक बात ध्यान रखो, उन तीनों के अंदर डर पैदा होना चाहिए। उन तीनों को मैंने मार दिया, उन तीनों के अलावा ये रवि भी मेरे प्यार के बीच में आ रहा था और एक रात को मैंने रवि को भी मारने की कोशिश की। और इसलिए रवि को मारने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ समय के लिए मैं रुक गया, फिर एक दिन आनंद बूम। मेरे प्लान के हिसाब से मैंने आनंद को भी मार दिया। मेरा अगला टारगेट कीर्ति। कीर्ति कौन है बे?
आनंद, अरे ये कहां चला गया यार? इधर भी नहीं है। कीर्ति, कीर्ति, ए कीर्ति, इधर क्यों सोया है? ए कीर्ति, 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 राकेश, ये उन लोगों को मैंने ही मारा, उसके बाद रवि को। हेलो, लगता है कोई आ रहा है। शिट, जस्ट मिस। रवि उस दिन बच गया। मैंने फिर से ट्राई किया, फिर अटैक किया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से फंस गया। उन तीनों को तूने मारा ये तू कबूल कर चुका है, और इसका कारण है निहारिका के लिए तेरा प्यार। फाइन, निहारिका मर चुकी है ऐसा तूने कहा, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहां है? यहीं फार्म हाउस में दफनाया है उन्होंने। ओ, चलो दिखाओ। यही मौका है, भाग ले। कुछ तो गोलमाल किया ये। सर सिर्फ मिट्टी दिख रही है। इधर कुछ नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, ये तो बोल रहा था। अरे ये कहाँ गया? अरे ये कहाँ चला गया? सर, सर वो भाग रहा है सर। ए, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो, छोड़ना मत। ए, चलो जल्दी। ए, कौन सी गाड़ी लायो? थोड़ा जल्दी चलो। और तेज भगाओ। शिट। बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। हे तू, मुझसे जो पंगा लेता है उसके साथ मैं ऐसे ही करता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल, छोड़ो मुझे। चल, छोड़ो मुझे। रवि, निहारिका, रवि, इसे जिंदा देखकर शॉक लगाना। निहारिका, निहारिका, हाँ?
तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। जो प्यार मुझे नहीं मिला मैं तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। हे ठीक तो हो ना? आर यू ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो देखिए सर, वो देखिए। रवि। ये। अह